मध्य प्रदेश कांग्रेस को फिर बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज ने हाथ का साथ छोड़ थामा बीजेपी का दामन। विंध की राजनीति के बड़े चेहरे ने बदला पाला। पीएम मोदी को बताया बीजेपी ज्वाइन करने की वजह। कांग्रेस से बीजेपी में आए दिग्गज नेता का आरोप। पैसा न होने की वजह से कांग्रेस ने टिकट काटा। विंध की राजनीति के एक मुख्य चेहरे सिद्धार्थ तिवारी ने बीते बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं गुन्नौर विधानसभा सीट से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। चौधरी ने टिकट को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। वहीं तिवारी ने मोदी की योजनाओं को बीजेपी में आने की मुख्य वजह बताया। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास तिवारी के पोते और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी और पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में इन दोनों नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। सीएम शिवराज ने कहा कि सिद्धार्थ प्रदेश के युवा नेता हैं और इनके पीछे एक राजनीतिक विरासत है। वहीं फुंदरलाल चौधरी अनुभव की फैक्ट्री में पके हैं। हम इन दोनों का बीजेपी में स्वागत करते हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त देने के कारण हमारे परिवार ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आज हर देशभक्त युवा मोदी जी और उनके कामों से प्रभावित है। मैं भी उनसे प्रभावित होकर बीजेपी में आया हूं। 2003 से पहले और आज के मध्य प्रदेश में अंतर साफ नजर आता है। दरअसल सिद्धार्थ तिवारी विंध की राजनीति के मुख्य केंद्र रहे श्रीनिवास तिवारी के पोते और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं। रीवा लोकसभा से कांग्रेस ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने कहा कि टिकट की लालच से बीजेपी में नहीं आया हूं, बल्कि कामकाज से प्रभावित होकर आया हूं। हमारी कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं होती है। सर्वे में मेरा पहला नाम था पर मुझे टिकट नहीं मिला क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। चौधरी बुंदेलखंड की गुन्नौर विधानसभा सीट से आते हैं और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा है। जाहिर है मध्य प्रदेश की सियासत में बीते 3 साल में दल बदल का खेल खूब खेला जा रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो बीजेपी के नेता कांग्रेस के हाथ का साथ ले रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में दल बदल का खेल भी तेज हो गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि नेताओं के दल बदल का खेल उन्हें सत्ता तक लेकर जाता है या फिर चमकती सियासत में दल बदलू नेता का ठप्पा लगा उन्हें कहीं किनारे छोड़ जाता है।